अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस का पार्ट टू करेंगे, डॉक्टर अली असगर के इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस। वन में 11 क्वेश्चंस किए थे और अब हम देन 23 टोटल क्वेश्चंस थे, तो अब हम करेंगे 12 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ बाइल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। सो जो बाइल है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में काम आता है, ये इमल्सिफाई करता है फैट्स को, ये ब्रेक डाउन करता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स। लाइक क्या होता है कि ये बाइल सॉल्ट ही है जो हेल्प करता है सेल को कि वो फैट ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब कर सके ईजिली, क्योंकि ऐसे हेल्प करता है कि ये इमल्सिफाई कर देता है फैट्स को। पार्ट है अब क्वेश्चन नंबर 13 है, Why SA node is called the pacemaker of heart? So SA node stands for sinoatrial node, ये आट्रियम में होता है एंड बिलो इसके AV node होता है। सो क्या होता है कि SA node को pacemaker of heart इसलिए कहते हैं क्योंकि मेंटेन करता है हार्ट पंपिंग रिथम को। ये SA node ही है जो जनरेट करता है कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल impulses जो नॉर्मल रिथम को सेट करती हैं, तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये पेसमेकर ऑफ द हार्ट है क्योंकि मेंटेन करता है हार्ट पंपिंग रिथम को बाय सेटिंग द रेट एट विच ऑल कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट्स वाई ये पेसमेकर ऑफ हार्ट है। नंबर 14 है, वाई द कैपिलरीज हैव अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम। सो कैपिलरीज के पास एंडोथेलियम इसलिए होते हैं क्योंकि अगर तो क्या होता है कि इनके पास सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम इसलिए क्योंकि ये हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या होता है कि आर्टरीज कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज बेड का डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि कैपिलरीज सारी ज्वाइन हो जाती हैं। सो इसी की वजह से इसी में लीकेज होती है और एक्सचेंज होता है ब्लड वेसल से मटेरियल और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि कैपिलरीज के पास सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम होता है क्योंकि ये एक्सचेंज में हेल्प करता है। अगर इसके पास भी वैसे ही एक्सटर्नल इंटिमा मीडिया और एक्सटर्नल होगा सो फिर ये एक्सचेंज नहीं कर पाएगा और फिर जो लीकेज हो रही है वो नहीं हो पाएगी। और क्या होता है कि ब्लड वेसल से ना प्रोटीन वगैरह जो लार्ज होते हैं वो गुजर नहीं पाते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो लीक हो जाते हैं, कैपिलरीज से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मिलते हैं और फिर दैट्स वाई पूरी बॉडी में वापस से सर्कुलेट होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि 75% वापस से पहुंच जाता है, हाँ 15% होता है जो नहीं पहुंचता है। सो ये ऐसे हेल्प करता है। नंबर 15 है, वाई हायर एनिमल्स नीड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो हायर एनिमल्स को सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए चाहिए होता है क्योंकि इनके सेल्स, बहुत सारे सेल डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते आउटसाइड एनवायरनमेंट से। लाइक अगर आप लोग इंटरसेलुलर एनिमल्स को देखें तो जो होते हैं वो उनके सारे सेल्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होते हैं एनवायरनमेंट से, तो दैट्स वाई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जबकि अगर हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात की जाए तो उनके सारे सेल्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे होते एनवायरनमेंट से, और दैट्स वाई उनको एक इंटरनल अरेंजमेंट चाहिए होती है टू ट्रांसफर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्रॉपर ग्रोथ एंड नरिशमेंट। सो दैट्स वाई ये इसलिए इनको रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 16 है, वाई सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स कॉल्ड ओपन टाइप। सो आर्थ्रोपोड के ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लाइक इसका ये मतलब होता है कि इनके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। जब ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं तो इनका जो ब्लड है वो फ्रीली मूव कर रहा होता है थ्रू आउट द बॉडी कैविटी, जिसको हम हीमोसील कहते हैं, और इसी में एब्सेंस होती है हीमोग्लोबिन की, तो दैट्स वाई ब्लड होता है वो भी कलरलेस होता है, और इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होते हैं विद द ब्लड। जबकि हमारे जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स की ह्यूमंस की बात की जाए, मैमल्स की बात की जाए, तो उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे होते, ब्लड वेसल्स में ही ब्लड फ्लो कर रहा होता है। 17, वाई ब्लड फ्लो फास्टर इन आर्टरीज। तो पता हो तो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं थ्रू आउट द बॉडी। तो अब जब आप खुद देखें कि हार्ट से पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचा रही हैं वो आर्टरीज़ हैं, तो दैट्स वाई इनको प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है कि ये पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर पाएँ। सो इनके पास दैट्स वाई नैरो सेंट्रल कोर होती है, थिक मस्कुलर वॉल्स होते हैं। इसका ही मतलब होता है कि ब्लड फ्लो करता है पंप बाय द हार्ट एस्केप एट अ हाई प्रेशर, कि ये एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी में लिटिल टोज में भी पहुँचा सके। सो दैट्स वाई इनको आर्टरीज़ को फास्टर ब्लड प्रेशर चाहिए होता है, जबकि वेना कैवा में सबसे लोएस्ट होता है। आर्टरीज में सबसे ज़्यादा, ऑर्टा में सबसे ज़्यादा होता है, आर्टरीज में आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज, फिर होते हैं वेन्यूल्स, वीन्स और वेना कैवा। सो दैट्स वाई ऐसे ब्लड प्रेशर लोएस्ट होता है, और ये MCQs भी आता है बहुत ज़्यादा, प्रीलिम्स पेपर में MCQs ये आए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ द ट्यूमर सेल्स आर डील बाय विद आर इम्यूनिटी सिस्टम। सो ट्यूमर सेल डील करते हैं बाय साइटोटॉक्सिक टीसी सेल्स, जिनके पास टीसी सेल्स से, लाइक इनके पास ना मार्कर्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, को रिसेप्टर, जिनको हम कहते हैं कि उनके पास एक मार्कर है CO8 मार्कर। ये प्रोग्राम होते हैं कि ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को एज वेल एज ट्यूमर सेल्स को। यही अगर आपने पढ़ा हो साइटोटॉक्सिक टीसी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स, तो नेचुरल किलर सेल्स तो
डील करते हैं कैंसर सेल से, लेकिन जो ये साइटोटॉक्सिक टी सी सेल्स होते हैं ये इनकाउंटर भी कर सकते हैं, ये वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सी सेल्स को इनकाउंटर करते हैं। लाइक क्या होता है कि ये कुछ रिलीज करते हैं कुछ प्रोटीन्स जिनको हम कहते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस। ये नेक्रोसिस फैक्टर ये होता है कि ये स्टिमुलेट करते हैं मैक्रोफेजेस को, डेंड्रेटिक सेल्स को, कि वो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बढ़ाएं, और फिर दैट्स वाई ये इनकाउंटर कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं ट्यूमर सेल्स को। नंबर 19 है वाई ब्रीथिंग ऑफ ह्यूमन बींग कॉल नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। सो ह्यूमन बींग्स के नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग इसलिए कहलाता है क्योंकि इनमें जो ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट होती है वो वेरी करती है प्रेशर में। क्या होता है कि लंग्स में एल्वोलाई होती है जहाँ पे गैसीयस एक्सचेंज होता है। सो ये असल में होता है कि जब भी एल्वोलाई का प्रेशर कम हो जाएगा, एल्वोलाई में एयर का प्रेशर कम हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो फिर एयर एंटर हो जाएगी लंग्स में, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन। और प्रेशर ऑफ द एल्वोलाई जब एक्सीड कर जाता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दैट्स वाई फिर जो एयर है वो ब्लोन आउट हो जाती है फ्रॉम द लंग्स। तो इसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। और ये रेट फ्लो ऑफ एयर जो प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड है ये डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है दोनों का। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ह्यूमन की ब्रीथिंग नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग है। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाई हेयर्स एंड म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन नॉस्ट्रल्स एंड ट्रेकिया। सो हेयर्स नॉस्ट्रल्स में प्रेजेंट होते हैं, ट्रेकिया में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। सो ये दैट्स वाई इसीलिए, यहाँ तक कि ट्रेकिया में तो सीलिया भी होते हैं, तो ये हेयर्स ऑफ नेसल कैविटीज सेलिएटेड होते हैं, इनमें हेयर्स होते हैं निकल्स को जो प्रेजेंट होते हैं इनहेल एयर में, और फिर क्या होते हैं कि उसको डीकॉन्टिमिनेट करते हैं, एयर को अलाउ करते हैं किसी वजह से फिल्टर एयर ही है जो बॉडी में एंटर हो सके, जम के फिल्टर कर सकते हैं एयर को। और म्यूकस का भी सेम है यही फंक्शन होता है, इसमें भी यही होता है कि ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल, ट्रैप करती है डस्ट पार्टिकल्स को, किल करती है बैक्टीरिया को, मॉइस्चर करती है एयर को। सो ये होता है इसका फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 21 है और ये लास्ट रीजनिंग क्वेश्चन है। स्टमक इटसेल्फ इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग एचसीएल। सो स्टमक के पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन है। ये म्यूकस सेल है जो प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक को फ्रॉम द एक्शन ऑफ एचसीएल। इसी के क्या होता है कि जब भी अगर एचसीएल की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये जो लेयर है म्यूकस ये डिस्ट्रॉय होती रहती है, और फिर क्या होता है कि अगर ज़्यादा एचसीएल की कंसंट्रेशन हो जाए तो ये म्यूकस डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर पेप्टाइड अल्सर वगैरह कॉज हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक्शन ऑफ एचसीएल से म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है एवरीडे और फिर प्रोड्यूस भी एवरीडे होती है, तो दैट्स वाई ये होता है कि स्टमक लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से प्रोटेक्ट रहती है एचसीएल की कंसंट्रेशन से। अब्दुल्ला हमने रीजनिंग क्वेश्चंस कर लिए हैं सारे 21, अब नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस बचे हैं। इंशाल्लाह हम नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस भी सोन स्टार्ट करेंगे। बॉटनी का भी इंशाल्लाह मैं सेक्शन भी आज अपलोड कर दूंगी, पार्ट 1। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।